तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। इसका मतलब होता है जो कांस्टेंट कर्व में ए और बी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इनको एलिमिनेट करना है यानी कि खत्म करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले मैं इस गिवन कर्व का कर डिफरेंशिएशन कर देता हूँ वाई प्राइम इक्वल्स टू ए बी ई रेस्ट टू दावर बी एक्स अब आप यहां से ये देखिए कि ए और बी ई रेस्ट टू दावर बी एक्स इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं वाई से तो ये हो जाएगा बी वाई यानी कि वाई प्राइम वाई प्राइम इक्वल्स टू बी बी वाई हो गया है अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर देता हूं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू बी वाई प्राइम ये हो गया है और इस वाली इक्वेशन से प्रीवियस इक्वेशन से मैं इसमें बी की वैल्यू रख देता हूं यानी कि पहले मैं इसको लिखता हूं वाई डबल प्राइम माइनस बी वाई प्राइम इक्वल्स टू जीरो और बी की वैल्यू अब मैं इसमें यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम वन अपॉन वाई ये b का वैल्यू हो गया है और y प्राइम इक्वल्स टू जीरो अब मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ y प्राइम माइनस वन अपॉन वाई वाई प्राइम स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो अगर मैं पूरी को वाई से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वाई डी टू वाई डी एक्स टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो और ये स्क्वेयर भी रहेगा अब आप मैच कीजिए ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा